नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। गणेश महोत्सव को लेकर भक्त काफी ज्यादा उत्साहित है। ऐसे में सत्यमेव जयते ग्रुप की ओर से सार्वजनिक गणेश महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कोरोना के मद्देनजर सभी त्योहारों को गाइडलाइंस के तहत मनाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस के तहत गणेश महोत्सव को मनाने की इजाजत भी दी गई है। ऐसे में सत्यमेव जयते ग्रुप की ओर से सार्वजनिक गणेश प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसके तहत सभी प्रतिस्पर्धी गणेश जी की प्रतिमा को अच्छी तरह से सुशोभित कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे और जिस भी गणेश मंडल की ओर से सबसे अच्छा सुशोभन किया जाएगा उसे प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। छेल्ला 2 वर्षथी जे कोरोना काल में सार्वजनिक गणेशोत्सव बंद थी गयो हतो, आज सरकार ने जे थोड़ी घनी राहत मड़ी है गाइडलाइन में कि सार्वजनिक गणेशोत्सव करवाना पंडाल में करवाना। अपना बधा जे गणेश मंडळो छे एमां एक नवो जुस्सो, नवी तरंग, नवी उमंग आई छे कि आपणे गणपति करीशुं, डेकोरेशन करीशुं, व्यवस्थित आपणे 11 दिवस सुधी गणपति दादाने बिराजमान करीशुं। एटले जे वर्षोथी जे आपणी गणेश स्पर्धा हती, ये वडोदरा शहर सार्वजनिक गणेशोत्सव स्पर्धा ए बंद थई गई हती, एटले आजे अमे अमारी कमिटीए एक मीटिंग नक्की करी। ए मीटिंगनी अंदर अमे एवुं नक्की कर्युं छे कि फरीथी आपणे आ स्पर्धा चालू करीए, जेथी आपणा जे गणेशोत्सव गणेश मंडळो छे એ લોકોના અંદર નવો જુસ્સો આવે, ઉમંગ આવે, એ વધુમાં સારીમાં સારી રીતે ગણેશ ઉત્સવનું આયોજન કરે એના માટે આ સ્પર્ધાનું આયોજન કર્યું છે। ટૂંક જ સમયમાં એના ફોર્મ વગેરે અમે બહાર પાડીશું, એટલે મારા વડોદરાના તમામ મંડળોને વિનંતી છે કે એકજૂટ થઈને આ સ્પર્ધામાં ભાગ લો અને આમાં એક નવી એક ઉમંગ આવશે। તમે સૌને હું આમંત્રણ આપું છું કે અમે આ ટૂંક સમયમાં ફોર્મ પાડીશું, આપણા સુધી પહોંચાડીશું અને આ સ્પર્ધામાં જરૂરથી ભાગ લો અને આ ઉત્સવની અંદર આપણે વધુમાં વધુ સારી રીતે ઉજવીએ એવી આપણે સમને નમ્ર વિનંતી છે। વિશેષમાં તો એવું છે કે શ્રેષ્ઠ મૂર્તિ છે, શ્રેષ્ઠ ડેકોરેશન છે, શ્રેષ્ઠ શણગાર છે, પછી શ્રેષ્ઠ વિષય છે અને બીજા ઘણા બધા આશ્વાસન ઇનામો અમે આપવાના છે। એટલે જેટલું બને એટલું વધુમાં વધુ વડોદરાના તમામ વિસ્તારોના ગણેશ મંડળોને અમને આવરી લેવે એવો અમારો પ્રયત્ન રહેશે। ફક્ત જે ગણપતિની જે છૂટછાટો થોડી ઘણી મળી છે એનું તમે પાલન કરજો, કોરોના હજુ એકદમ ગયો નથી એને SOPનું પાલન કરજો, શાંતિપૂર્વક અને વ્યવસ્થિત રીતે ઉજવજો અને આરોગ્યલક્ષી વધારે ધ્યાન આપજો। सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला शिक्षा विभाग की ओर से ले लिया गया था, जिस पर आज सावली के भादरवा गांव के छात्र और अभिभावक विरोध जताते हुए सूत्रोच्चार करते हुए नजर आए। शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का फैसला लिया गया है, जिस पर विरोध जताते हुए सावली के विधायक केतन इनामदार ने मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पत्र लिखा था और अब सावली के भादरवा गांव की स्कूलों को मर्ज करने के फैसले पर विरोध जताया जा रहा है। भादरवा की कुमार कन्या स्कूल को मर्ज करने के फैसले पर गांव के छात्र और अभिभावक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। स्कूल के पास इकट्ठा होकर सभी ने आज रामधुन बुलाकर सूत्रोच्चार किए। दरअसल इस फैसले से छात्रों के ड्रॉपआउट रेशियो के बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही है, इसी के चलते छात्र और अभिभावकों ने तालेबंदी की बात भी कही। ये रिपोर्ट सावली से हमारे संवाददाता मीत काछिया ने भेजी है। गुजरात सरकारना शिक्षण विभाग द्वारा जे गुजरात में शाळा मर्ज करवानो निर्णय लीधो छे तेमा अमारी भादरवा कुमार कन्या शाळाने पण मर्ज करवानो निर्णय लीधो छे। तो आ निर्णय ने अमे सख्त शब्दोमां गामना आगेवानो, ग्रामजनो अने गामना वालीओ एनो सख्त विरोध करे छे। छेल्ला आज़ादी पूर्वेथी कन्याओ मुक्त वातावरणमां भणी शके अने टेन्शन मुक्त रीते अभ्यास करवा स्कूलमां आवी शके एना माटे दाताश्रीओ द्वारा पण बिल्डिंग बनावी अने अलगथी शिक्षण ने उत्तेजन कन्याओने मळे ते माटे कन्याओनुं शिक्षण अलगथी वर्षोथी चालतुं आव्युं छे तो ते अलगथी ज रहे। आम आ निर्णयथी बीजो पण एक लॉस आव्यो छे के 25 कन्या ने 25 कुमार बंने भेगा थईने 50 नो एक क्लास बनशे
तो ये क्लास में भणवानो बहुज अघरू रहेशे अने कन्याओनो ड्रॉप आउट रेशियो घणो ओछो थई जशे। आमेय धोरण आठ पछी नवमामां जे माध्यमिकमां जे रीते भणे छे ए रीते अमारा गाममां स्वाभाविक रीते जीवावाड़ा लोको नवमा धोरणमां मोकलता पण नथी, तो आ रीते कन्याओनो खूब ड्रॉप आउट रेशियो वधी जशे एमो अमारो सख्त विरोध छे। जो आ निर्णय भादरोनो पाछो खेंचवामां नहीं आवे तो अमे ग्रामजनों आगेवानो अने तमाम वालीओ द्वारा स्कूलों ने ताळाबंदी करीशुं, गाममांथी शिक्षणनो बहिष्कार करीशुं अने उग्रमां उग्र आंदोलन करीशुं एवी अमारी मागणी छे। तो सरकार ने अमारी नम्र विनंती छे कि भादरवा कुमार कन्या मर्ज करवानो निर्णय पाछो खेंचे। आप भाजपना सक्रिय कार्यकर्ता छो ने आ निर्णय पण भाजप सरकारनो छे, तो आप भाजपना विरोधमां छो? ना, भाजपना विरोधमां नथी, पण गामना जे लागणी ने खरेखर जे मर्ज करी रह्या छे गुजरातनी सरकार ये कंईक सारूँ એમનું આયોજન હશે, પરંતુ અહીંયા ગામ મોટું છે અને એક ક્લાસમાં 50-50 છોકરા થઈ જાય અને જે છોકરીઓ મુક્ત વાતાવરણમાં ભણી શકતી હતી એ નહીં ભણી શકે અને એનો ડ્રોપ આઉટ રેશિયો ઓછો થઈ જશે, એની લાગણીને માન આપી અને ગુજરાત સરકારને અમે વિનંતી। जूनागढ़ की गिरनार की गोद में भगवान परशुराम की प्रतिमा रखी गई है, जिसे जूनागढ़ की महानगर पालिका की ओर से 3 दिनों में हटा लेने की नोटिस दी गई है। ऐसे में वहां के ब्रह्म समाज की ओर से इस पूरे मामले में काफ़ी रोष जताया जा रहा है। समस्त ब्रह्म युवा ट्रस्ट की ओर से गरवा गिरनार की गोद में भवनाथ तलेटी रोड राम टेकरी निकट भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई है, लेकिन अब इस प्रतिमा को रखने की बात पर ब्रह्म युवा ट्रस्ट जूनागढ़ को महानगर पालिका की ओर से नोटिस दी गई है, क्योंकि प्रतिमा रखने के लिए किसी भी अधिकारी की मंजूरी नहीं ली गई होने की बात महानगर पालिका की ओर से कही जा रही है। ऐसे में महानगर पालिका ने 3 दिन की नोटिस देकर 3 दिन में प्रतिमा को हटा लेने की बात कही है, जिसके चलते जूनागढ़ के ब्रह्म समाज के लोगों में काफी रोष फैला हुआ है। और इस बारे में ब्रह्म समाज के कार्तिक भाई ठाकर की ओर से बताया गया है कि पहले कई अवैध अतिक्रमण है उन्हें हटाए जाए, जिसके बाद प्रतिमा को हटाने की बात पालिका की ओर से कही जाए। ये रिपोर्ट जूनागढ़ के हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। जूनागढ़ में बिना मंजूरी के जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा निकालने के चलते विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख के सामने पुलिस की ओर से घोषणाओं के उल्लंघन के मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है। जन्माष्टमी का त्यौहार हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन सभी भक्त भक्तिमय होकर श्री कृष्ण के प्रागट्य दिन को मनाते हैं। इस साल सरकार की ओर से त्यौहारों को मनाने की इजाज़त मिली है, जिसके चलते केशोद विश्व हिंदू परिषद की ओर से जन्माष्टमी के दिन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था। हालाँकि इस शोभा यात्रा को मंजूरी नहीं दी हो गई होने की बात सामने आई है। इसके साथ ही शोभा यात्रा में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी देखा गया था, जिसके चलते पुलिस की ओर से विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख के सामने शिकायत दर्ज की गई है। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश तवे ने भेजी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।